मेरी बहन की गोद भराई है और राखी के इस फर्ज को पूरा करते वक्त मैं अपनी बीवी के डर से भाग जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। इस बच्चे के असली बाप तो तुम ही हो कहते, और ऐसे होने वाली माँ को पहला तोहफा देने का हक तो तुम्हारा ही मिलता है। शुभ्रा की गोद भराई के लिए आपको न्योता देने आए हैं, आप सबको भी। ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ के लिए मेरी तरफ से। इतनी सी बात नहीं मानू कि पांच इसमें शामिल होना कितना बड़ा अपशगुन है। मैं माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई थी। रुक जाइए भाभी साहब, कावेरी ये रीत और ये नियम हम इंसानों के बनाए हुए हैं, और अगर ये नियम किसी को तकलीफ पहुंचाते हो तो इन नियमों के साथ बंधे रहने का कोई मतलब नहीं। तारा भाभी सच्चे दिल से शुभ्रा को शुभकामनाएं देने आई हैं, और मेरा अटल विश्वास है कि साफ और सच्चे दिल से दी हुई शुभकामनाएं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं तो सिर्फ वही कर रही थी जो बड़ों ने कहा। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बुराई है तो ठीक है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। भाभी साहब रस्म पूरी कीजिए। नहीं दीदी, मैं समाज के कायदे कानूनों के खिलाफ नहीं जाना चाहती। सवाल मेरे बच्चे के शगुन का है। इस मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। रहने दो सरल, मैं भूल गई थी कि ईश्वर ने जब मुझे खुद संतान का आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं दूसरों को कैसे दूंगी। माफ कर देना मुझे। छोड़ना तो तूने सीखा ही नहीं कावेरी। अरे ईश्वर से तो डर। मैंने क्या किया है? सवाल मेरी ननद के बच्चे की जिंदगी का है। आप लोगों को परवाह हो या ना, मुझे तो होगी ना। जानते हैं हम कि दूसरों की चिंता में कितना वजन कम हो गया है तेरा। अच्छी हुई रे। क्या बात है भाई, तुम लोग तो बहुत जल्दी वापस आ गए। क्या समधी जी ने खाना नहीं खिलाया? क्या हुआ भाभी साहब को? मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा भाभी साहब। नहार, ऐसा कुछ नहीं है। तारा को अचानक सर में दर्द होने लगा तो हम लोग चले आए।
बाबू झूठ बोलकर क्या फायदा, सच्चाई को छुपाने से सच बदल तो नहीं जाएगा ना। क्या हुआ था प्लीज बताओ बाबू। आप ही बता दीजिए, इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हैं आप? सलोनी के मायके में तारा की इंसल्ट हुई है। उन लोगों ने शुभ्रा की गोद भराई में उसे शामिल नहीं किया क्योंकि तारा मां नहीं बन सकती। और एक बात का होना ऐसे मौके में अच्छा गुण माना जाता है। रीति रिवाज की जंजीरों ने हमें बुरी तरह से जकड़ रखा है। सलोनी बेटा, मेरी तरफ से तू तारा जी से माफी मांग लेना। मैं तो उनसे लाडो आंख मिलाने के काबिल भी नहीं रही। समाज के कायदे कानून चाहे जो भी हो, लेकिन मेहमानों के साथ ऐसा बर्ताव? पापा, मैं उनसे बात कर लूंगी, उन्हें आप दोनों से कोई शिकायत नहीं होगी। शिकायत करें ऐसे उनके संस्कार नहीं, लेकिन तारा जी का दिल दुखाकर हमने अच्छा तो नहीं किया ना लाडो। लाडो ये रुपए रख ले बेटा, इनकी जरूरत नहीं पड़ी, सब उन्होंने खुद सारा इंतजाम कर लिया। लेकिन क्यों मम्मी? अरे शुभ्रा का भाई है वो। तो मैं भी शुभ्रा की बड़ी बहन हूँ, जब समर ये जिम्मेदारी उठा सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं? बेटा है वो इस घर का, उसका हक है और फर्ज भी। आज हमने आखिर में बेटे को पराया कर ही दिया। बेटा और बेटे में आप कब से भेदभाव करने लगे मम्मी? बात भेदभाव की नहीं है बेटा, जिम्मेदारी के एहसास की। तेरा छोटा भाई बड़ा हो गया है, समझदार भी। नहीं बेटा नहीं, हमने बेटे और बेटी में कभी कोई फर्क नहीं किया। तू तो हमारी पहली संतान है, सबसे दुलारी है तू। कभी भी मदद की जरूरत पड़ी ना तो हम खुद तेरे पास आएंगे। ये रख ले बेटा। मां नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? तारा तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमने ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसीलिए कह रहे हैं। ये दुनिया का नियम है, जब इंसान जितना ज्यादा सर झुकाता है लोग उसे उतना ही ज्यादा झुकाने की कोशिश करते हैं। और ये भी फैक्ट है कि तुम्हारे मां ना बन पाने में तुम्हारी कोई गलती नहीं थी तारा, तुम तो प्रेग्नेंट हुई थी। अगर वो एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो आज की तारीख में बाहर वालों ने ऐसा किया, कल तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करेंगे। अगर तुमने अपने आप को नहीं बदलाना तारा तो तुम एक ना एक दिन अपने घर में खुद अकेली हो जाओ। तारा व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? देखो तारा, हमारी एक बात याद रख लेना, जिस दिन सलोनी ने इस घर में बच्चे को जन्म दिया ना उस दिन सारा घर उसे सिर पर उठा लेगा। वैसे भी डोंट माइंड तारा, अभी भी इस घर में सलोनी की तुमसे ज्यादा चलती है, पर जिस दिन उसका बच्चा हो गया तब तो सारा घर सलोनी 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 की रट लगाएगा, तुम्हें तो भूल ही जाएंगे सब तारा। और क्यों ना, आफ्टर ऑल सलोनी उन्हें वो खुशी देगी जो तुम नहीं दे सकती उस परिवार को। इस खानदान का इकलौता वारिस, इस खानदान का इकलौता वारिस, इस खानदान का इकलौता वारिस। तो कम करना चाहती है या मेरी कमी का एहसास दिलाकर मेरा दुख बढ़ाना चाहती है?
लाडो, अब कुछ ही हफ्तों की बात है, इन दिनों में तुझे अपना सबसे ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तेरी जरा सी लापरवाही तेरे लिए और तेरे बच्चे के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और फिर अब तो चिंता करने वाली बात भी नहीं है, जमाई साहब तो लौट आए हैं घर। और कोई भी बात हो ना तो तू मुझसे बेहिचक कहना, जरा भी नहीं झिझकना। पहली डिलीवरी पर बेटियां अपने मायके आती हैं, जबकि शुभ्रा का तो मायके जैसी कोई जगह ही नहीं है। उसके बाप आप खुद दूसरे के सहारे पर हैं। हमारी ही कमजोरी थी जी, हमने ही बाबू को कर अपने घर को छोड़ने का फैसला कर लिया, जिस घर की एक एक दीवारों पर यादों का अंबार सजा। परसों एक छत के नीचे मुसीबत में भी हम साथ रहे। अब पता नहीं जीते जी किसी घर के ऊपर अपना नाम लिखवा सकेंगे या नहीं। अब तो छोटी सी भी आशा नहीं बची है कि हमारे सिर के ऊपर कोई छत होगी जहां हमारी बच्चियां जचकी के लिए आएंगी, मेरे घर के आंगन में भी मेरे नाती पोतों की किलकारियां गूंजेंगी। Congratulations, Karan. तुम तो छुपे रुस्तम निकले, तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू भाभी। मेरे लिए शुभ्रा की नफरत सिंपैथी में बदल ही गई। बिल्कुल, और इस बात का उसने सबूत भी दे दिया है। गोद भराई में उसने तुम्हारा दिया हुआ नेकलेस पहना था। रियली? आपकी सलाह और हेल्प नहीं तो मुमकिन बनाया है सब। मैं तो शुरू से ही चाहती थी कि तुम और शुभ्रा एक हो जाओ, लेकिन अभी भी मुझे चैन नहीं मिला कर। चैन तो मुझे उस दिन मिलेगा जब शुभ्रा महान बनने के नाटक करने वाले उस नील को अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देगी और तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम बस देखते रहो करण, कैसे उस डायमंड नेकलेस की चमक इन सबकी जिंदगी से रोशनी गुल करती है। सच में बहुत शर्मिंदा हूं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैं अभी जाकर तारा भाभी से भी माफी मांग लूंगी। जानती हूं इससे उनका दुख कम नहीं होगा। सलोनी, इस हादसे का जिम्मेदार मैं भी हूं। चांदनी की वजह से ही भाभीसा का मिसकैरेज हुआ था। प्लीज सलोनी, उनसे बात करते वक्त इस बात का ख्याल रखना कि मैं आपकी भावनाओं को समझती हूं ना। मुझे भी भाभीसा का उतना ही ख्याल है जितना कि आपको। भाभीसा से मिलने से पहले मैं भाईसा से मिलना चाहती, से बात करना भी तो जरूरी है। ये डायमंड का नेकलेस कहां से आया तुम्हारे पास,
और सबके सामने ये झूठ कहने की क्या जरूरत थी कि ये मैंने तुम्हें दिया? तो और क्या करती मैं? ये कहती कि मेरे पति ने गोद भराई में मुझे ये 250 रुपए की पायल दी। अरे आपको तो किसी से कोई मतलब ही नहीं, लेकिन मुझे तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना है ना। मगर इतना एक्सपेंसिव नेकलेस खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे आए कहाँ से? शुभ्रा, हजारों का होगा ये। डरिए मत, मैंने कोई चोरी नहीं की, और ये जो हीरे हैं ना, असली नहीं, नकली। असली हीरे खरीदने की आपकी हैसियत ही कहाँ है? मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ आपकी शान बनाए रखने के लिए किया। नकली को असली बताकर गलत किया तुमने शुभ्रा, सबको धोखा देने की क्या जरूरत थी तुम्हें? जरूरत है, और अगर आपको ये सब धोखा लगता है तो मुझे ऐसी चीजें ला दीजिए जिसे मैं दूसरों को दिखा सकूं, और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो आइंदा से मुझसे इस तरह के सवाल पूछने का आपको कोई हक नहीं। मुझे माफ कर दीजिए तारा भाभी। किस लिए? मन्नु भाभी के घर आज जो हुआ। सच कहूं सलोनी, गोद भराई में जो हुआ उसका मुझे इतना दुख नहीं है, लेकिन एक अफसोस जिंदगी भर रहेगा। मां नहीं बन सकती। एक औरत तभी संपूर्ण होती है जब वो मां बने, लेकिन मुझे इस अधूरेपन के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहती है भाभी साहब? नाहर को आप बेटे की तरह चाहती हैं। मन की तसल्ली के लिए बस ये कास्ता है। मैं समझती हूँ भाभी साहब। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कर सकती। हमदर्दी के दो बोल मेरी घायल ममता पर मरहम नहीं लगा सकते सलोनी। कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मेरी प्यारी सी बीवी के लिए ये प्यारा सा गिफ्ट पसंद आया? ये कलर तुम पर बहुत सूट करेगा।
ऐसा लगता है तारा जैसे वक्त थम गया है। आज भी तुम बिल्कुल वैसी ही लगती हो जैसे पहले लगती थी। फिल्मी अंदाज में कहूँ तो आसमान से चांद तारे ले आऊं। मुझे चांद तारे नहीं चाहिए। अगर आप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी खुशी की परवाह है आपको, तो मेरी गोद भर दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए। मुझे माँ कहने वाला एक बच्चा मेरे आंचल में दे दीजिए। मेरा नहीं, आपका ही सही। मैं कुछ नहीं कहूंगी, खुशी से स्वीकार करो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, प्लीज। ये नहीं हो सकता तारा। क्यों नहीं हो सकता? और अगर नहीं हो सकता तो आप कोई रास्ता निकालिए। मेरा मिस कैरेज आपकी।